की इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं कि काफी शानदार जुगाड़, जो कि यार हमारी जरूरत के हिसाब से बनने वाला है। और हम बनाने वाले हैं एक इलेक्ट्रिक कल्टीवेटर, जिसकी मदद से हम कर सकते हैं भाई अपने खेत की जुताई, वो भी आसान और काफी शानदार तरीके से। तो चलो फटाफट से आज बनाते हैं इलेक्ट्रिक मिनी कल्टीवेटर। इलेक्ट्रिक कल्टीवेटर बनाने के लिए सिंपली कुछ चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहले हम इस्तेमाल में लेने वाले हैं एक साइकिल की रिंग। हम इसकी जगह बाइक की भी ले सकते हैं, पर हमारे पास साइकिल की अवेलेबल है तो हम इसी का यूज करने वाले हैं। और साथ ही साथ हमें चाहिए ट्रैक्टर के कल्टीवेटर की कुछ चौहे, और साथ ही साथ सबसे जरूरी चीज इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि हमारे पास है यार दो दो, अगर एक से नहीं चलेगा तो दो लगा देंगे। तो सिंपल इन सारी चीजों को अटैच करते हैं और फिर देखते हैं कि भाई अपना जो जुगाड़ है वो प्रॉपर वर्क कर पाता है या फिर नहीं। आपको क्या लगता है इस कमेंट करके जरूर से बता देना, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। चलो इनकी अटैचमेंट शुरू करते हैं। गाइस यार हमने इसके ऊपर एक फ्रेम तो लगा दिया है व्हील के ऊपर, अब इस मोटर को इसके साथ अटैच करना है इस स्टैंड के ऊपर। इसको वेल्डिंग करके फिक्स करते हैं और फिर देते हैं भाई इस व्हील के अंदर पावर। जब मोटर इस व्हील को पावर देने लग जाएगी उसके बाद इसके जो हल आते हैं वो अटैच करने और फिर सिंपल इसको चला के देखना। देखो मैंने जो मोटर लगा दी है, अब जो करना लगानी है काई क्या मैंने चेन अब गलाम फेर पर नहीं साइकिल के लगा वाले। अपनी मोटर के कनेक्शन हो चुके हैं, काफी मस्त तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसको ऊपर छोटे छोटे लोहे के टुकड़े लगाने पड़ेंगे ताकि ये खेत के अंदर अच्छे से ग्रिप बना सके, और उसके बाद पीछे का अटैचमेंट शुरू करते हैं। काफी मस्त तरीके से काम कर रही है भाई। गाइस अब लगा रहे हम कल्टीवेटर के चौं लगाने का जुगाड़, एक मजबूत मोटे सरिये को बेंड करके उसके नीचे लगाने वाले चौं, जो कि जमीन की जुताई करेगी। गाइस यार अब ग्रिप बनाने के लिए इस रिम के ऊपर हम वेल्ड करने वाले बहुत सारे एंगल के छोटे छोटे टुकड़े कुछ इस तरीके से, ताकि ये यार खेत के अंदर अच्छे से ग्रिप बना सके। क्यों मोटे? हाँ भाई सही कहा ना मैंने, एक नंबर का। क्या कहा मैंने? कि आपने कहा कि एंगल को टुकड़ो एने ओयान का, ठीक है एने ने यान लगावा, ठीक है लाग रहे वो नहीं यार। ठीक है भाई लोगों इनको फिक्स करते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों। गाइस यार यहाँ पे अपना जो व्हील है वो पूरा बन के कम्प्लीट हो चुका है, यानी कि जो छोटे छोटे टुकड़े थे वो भी हमने वेल्ड कर दिए। अब बचा भाई हैंडल का काम, हैंडल फिक्स करते हैं, इसके एक्सीलेटर लगाते हैं। ऑफ कोर्स यार इलेक्ट्रिक है तो वो सारी चीजें वायरिंग वगैरह हमें करनी पड़ेगी, और बैटरी सेट करते हैं, और ट्रायल तो हम लेंगे इसकी अर्ली मॉर्निंग यानी कि कल सुबह। तो जितना काम अभी होता है वो कंप्लीट करते हैं पूरा, और बाकी का जो बचा हुआ काम होगा वो करेंगे हम कल सुबह। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज यार दूसरा दिन और अपने जो इलेक्ट्रिक कल्टीवेटर है वो पूरा बनके तैयार हो चुका है। OMG भाई साहब खतरनाक वाली इसकी स्पीड है, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं इसका जो फ्रेम है ना वो थोड़ा लाइट वेट है यार, थोड़ी बहुत ये हिल रही है। तो यहाँ पे एक दो सपोर्ट लगाते हैं, इसको मजबूत करते हैं, पेंट करते हैं इसके, और फिर लेके चलते हैं इसको ट्रायल के लिए खेत के अंदर, और देखते हैं कि भाई अपना ये जुगाड़ कैसे वर्क करता है। भाई साहब जोरदार तरीके से काम कर रहा है यार। तो गाइस यार यहाँ पे अपना कल्टीवेटर बनके तैयार हो गया है, और हमने इसके पेंट भी कर दिया है, प्रॉपर वर्क भी कर रहा। और एक काफी मजेदार चीज, हमने इसकी जो बैटरी है ना भाई उसको एक मजेदार तरीके से एक बैग के अंदर डाल दिए, इसका कंट्रोलर और पूरी जो वायरिंग है वो इसके अंदर है, और अब हमें इसको पकड़ के सिंपली चलाना है। तो इसे लेके चलते हैं भाई खेत के अंदर, और फिर देखते हैं कि भाई ये कल्टीवेटर ई कल्टीवेटर क्या कमाल धमाल मचाता है। चले मोटे चलो भाई। आप देख सकते हो कि यार अपना जो इलेक्ट्रिक कल्टीवेटर वो कितनी ज्यादा पावर कर रहा है। अब इसे देखते हैं कि भाई रियल लाइफ में ये कैसे काम करता है। गाइस यार यहाँ पे जो अपना कल्टीवेटर है वो प्रॉपर काम कर रहा है। आप देख सकते हो कि भाई किस तरीके से ये खेत की जुताई कर रहा है भाई।
और वो भी बिल्कुल एक साइलेंट तरीके से, बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहा भाई। गाइस देखा आपने कितने प्रॉपर तरीके से अपनी जो ये इलेक्ट्रिक कल्टीवेटर है वो काम कर रहा है, और आप देख सकते हो कि भाई हमने कितने शानदार तरीके से खेत को यहाँ पे खड़े लिया है बिना किसी शोर शराबे के। भाई साहब सच में काफी मजेदार चीज बनी है, और पावर देखना इसका, सच में काफी खतरनाक ताकत करती है भाई, अनलिमिटेड पावर। बाकी आई होप आपको ये वीडियो जरूर से पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।